फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है और बैलेट पेपर की मतगणना के बाद पहला राउंड लगभग कंप्लीट हो चुका है कई विधानसभा क्षेत्रों का, जिसमें से अगर फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी विपुल गोयल आगे हैं, जबकि कांग्रेस से प्रत्याशी लखन सिंगला दूसरे नंबर पर पहले राउंड के जो रुझान है उसके अनुसार देखे जा रहे हैं। वहीं पृथला की बात करें तो रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, फिलहाल पहले राउंड के रुझान में आगे चल रहे हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दोबारा चुनावी रन में उतरे नैनपाल रावत दूसरे नंबर पर हैं। वहीं अगर बात करें भटकल विधानसभा क्षेत्र की, देखिए भटकल विधानसभा क्षेत्र में इस बार पंजाबी चेहरे पर भाजपा ने दाव लगाया और तीन बार पार्षद, तीन कार्यकाल तक रहे धनेश अदलखा जो है विधायक के चुनाव के लिए रन में उतरे। और पहले राउंड के रुझान की बात करें तो धनेश अदलखा जो है वो लगभग 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी भटकल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप के सुपुत्र पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये पहले राउंड के रुझान है। अभी जैसे जैसे राउंड मतगणना के आगे बढ़ेंगे पिक्चर क्लियर होती नजर आएगी। वहीं बल्लभगढ़ के विधानसभा चुनाव परिणाम पर भी सबकी नजर है, वहां कैबिनेट मंत्री रहे मूलचंद शर्मा जो है वो पीछे चल रहे हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी शारदा राठौर जिनका टिकट काट दिया गया था कांग्रेस द्वारा, जिनके आंसू जो है थम नहीं रहे थे, वो पहले राउंड में आगे नजर आ रही हैं। हालांकि जो तिगांव विधानसभा है या एनआईटी विधानसभा है इसके जो पहले राउंड के रुझान हैं अभी बाहर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर ओवरऑल पूरे फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो जैसे हरियाणा में कांग्रेस की लहर की बात की जा रही है, लेकिन फरीदाबाद जिले की अगर बात करें तो हर सीट पर ये सिलसिला नहीं देखा जा रहा है। कहीं निर्दलीय टक्कर देते भाजपा को नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं पर भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं। पहला राउंड लगभग समाप्त हो चुका है, जैसे जैसे रुझान आएंगे पिक्चर क्लियर होती जाएगी, लेकिन पहले रुझान के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें जरूर तेज हो गई हैं और आज का ये दिन ये निर्णय लेगा कि ये किसके लिए मंगल और किसके लिए अमंगल साबित होगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।